लेकिन अगर हम बैंकों की बात करें तो निर्विवाद रूप से अगर हम सरकारी बैंकों में अगर देखें तो SBI एक विनर है। हम अब 600 रुपए के स्तर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉमिस आज है कि हम 600 नहीं, 400 नहीं, हम 200 रुपए वाला शेयर बताएंगे। तो इस कैटेगरी में आपके हिसाब से कौन सा शेयर पड़ता है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था हमारे मित्रों के साथ। आप जो बैंक निफ्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक कहावत है हिंदी में, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, हाथी भी निकला, पूंछ भी निकली, लेकिन पूंछ का एक बाल अटक गया था। अभिषेक, बैंक निफ्टी की जो सर्वोच्च स्तर की हम बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले। बहरहाल, जो आपका प्रश्न था उस पर आते हैं। सरकारी बैंकों में अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए। हमारे तो आकलन से थोड़े बहुत बेहतर थे नतीजे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को अभिषेक, कि अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो वित्तीय क्षेत्र को देना पड़ेगा, यानी कि बैंकिंग और NBFC क्षेत्र को। जिस स्तर पर काम काज कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, हमें काफी अच्छा लगता है। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। 225 का लक्ष्य, ये भी एक साधारण सा लक्ष्य है अभिषेक। अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें उम्मीद है, क्योंकि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो निरंतर बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हो रहा है, प्रोविजन भी नीचे आ रहे हैं और मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है बैंक सेक्टर के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विकल्प आपके सामने है, निवेश लायक, 225 का लक्ष्य। ठीक है, पिछले साल भर में तकरीबन 85% के रिटर्न दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और आगे भी इसकी तेजी यहां से जारी रहेगी। 225 रुपए का लक्ष्य है 1 साल का।